नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते जाओ। आज के इस वीडियो में मैं आपको कर्म ही पूजा है का प्रमाण देने जा रहा हूँ, और उसका प्रमाण देने के लिए मैं आपको एक सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार एक वकील कोर्ट में केस लड़ रहा था 46 स्वतंत्रता सेनानियों का, जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई थी। कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी, वकील उनका मुकदमा लड़ रहा था, तभी एक कर्मचारी आया और उनके हाथों में एक पर्ची थमा दी। वकील ने उस पर्ची को पढ़कर साइड में रख दिया। जब कोर्ट की कार्यवाही खत्म हुई तो जज ने आकर पूछा कि उस पर्ची में ऐसा क्या था, तो वकील ने जज से कहा कि उस पर्ची में मेरी पत्नी की मृत्यु की खबर थी। तो ये बात सुनकर जज को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि तुम्हें खबर पढ़ते ही उनके पास जाना चाहिए था। तो वकील ने कहा कि अगर जो जाने वाला था वो तो चला गया, लेकिन जो मेरे हाथ में उसे कैसे छोड़ देता, वो चली गई वो वापस नहीं आएगी, लेकिन जो मेरे हाथ में है उसे मैं कैसे जाने देता। जब कोर्ट की कार्रवाई खत्म हुई तो फैसला उनके हक में आया, 46 स्वतंत्रता सेनानी निर्दोष घोषित किए गए। जानते हैं दोस्तों उस वकील का नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लॉ पुरुष के भी नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि आप अच्छा कर्म करेंगे तो फल आपके हित में निश्चित ही आएगा।